सुप्रभात मित्रों, मेरी हरी भरी छत पे आपका स्वागत है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं इसका नाम है जरबेरा। तो आज मैंने 3 पौधे मंगवाए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे को अभी नए टेरेस गार्डन पे इनकी कमी है। तो एक नंबर 1 पे है जरबेरा, दूसरा है इम्पेशंस और तीसरा है फुशिया। ये तीनों मैंने भैया से मंगवाए हैं जो 150-200 तक के आए हैं। तो ये छोटे पॉट्स में आए थे, मेरे पास 2 पॉट्स पड़े थे 10 इंच के। तो पॉटिंग मिक्स और मिक्स करके हमने इस प्लांट को लगा दिया। मैं चाहती थी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स छत पे हों, टेरेस गार्डन की शोभा बढ़ाएं। तो जितनी फ्लावरिंग होंगी उतनी अच्छे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे और छत की ब्यूटी भी बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम अपने पास कुछ कंटेनर्स तो हमेशा तैयार रखें जिनके अंदर होल्स हों वाटर ड्रेनेज के लिए, और हमारे पास मिक्स पॉटिंग मिक्स सॉइल का अरेंजमेंट होना चाहिए, और साथ साथ हम सीड्स भी अपने पास रखें। पर हमारे को कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने एडिशन करते रहें अपने टेरेस गार्डन में। तो ये जरबेरा है, इसको हम लगा रहे हैं, और हमारे पास पॉट्स आएंगे तो बाकी प्लांट्स को भी हम करेंगे। साथ ही साथ आप पीछे देख रहे लाइन लगा के जो मैंने कल लगाए हैं, जिसमें डेविल्स आए, ये स्पाइडर है, ये एक फिलोडेंड्रॉन है, फिलोडेंड्रॉन और पर्पल हार्ट है। तो ये सब हमने लगा दिए हैं प्लांट्स के, और भी मुझे जो जो मिलेंगे, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ किसी की मुझे टहनी मिल जाए, किसी की मुझे पत्ती मिल जाए, प्रोपेगेट कर सकूँ। तो हम सब कर सकते हैं और सीखना चाहिए, जितना हम करेंगे उतना हम सीखेंगे। तो सीखने में तो इंसान मनुष्य को हर समय ही सीखते रहना चाहिए, सीखने की उम्र नहीं है कोई। तो ये जरबेरा में काफ़ी सारे कलर्स हैं, फिलहाल हमने अभी एक ही मंगवाया है बजट को देखते हुए। तो हम अपने टेरेस गार्डन में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करते ही रहते हैं, अच्छा लगता है। कल ही मैंने कनेर का भी एक लगाया है, और मुझे वो टहनी ला के दी मेरी मेड ने, मैंने फिर उसको थोड़ा सा छीला और उसको फिर मैंने हल्दी लगा के, और आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं, फंजीसाइड भी लगा सकते हैं, उसको लगा के मैंने मिट्टी में लगा दिया है, देखते वो जड़ कब पकड़ता है अपनी। तो ये देखिए हमारे तीनों प्लांट्स पड़े हैं सामने, तो ये आज हमने छत पे लगाए। प्लस मैंने कुछ गुलदाउदी के भी प्लांट्स को एक लंबे टब में, छोटा सा टब है मेरे पास, उसमें लगाने की कोशिश करी है। ये माली ने फिर थोड़ा सा दोबारा से उनमें होल्स करके, इसमें होल्स नहीं थे डब्बों में, तो दोबारा से इसमें थोड़ी और मिट्टी डाल के पर्पल हार्ट को थोड़ा सा दोबारा से सेट किया है। तो ये सब जो कंटेनर्स आते हैं और इनको मैं रख लेती हूँ प्लास्टिक कंटेनर्स को, इसको ऐसे ना फेंकें और रीयूज़ करें किसी न किसी रूप में प्लांटर्स बनाकर। आप पेंट भी कर सकते हैं, कैसे भी मर्जी यूज़ कर सकते हैं। और जो जिसमें आए हैं गमले जो पॉट्स हैं वो मैं रख लेती हूँ अंदर, कभी ना कभी किसी चीज़ को लगाने के काम आ जाते हैं। कोई छोटा प्लांट होता है जो भी छोटी स्टेज में होता है हम उसको लगा सकते हैं। ये सामने है इम्पेशंस है, ये पर्पल हार्ट के साथ। मुझको तो अच्छा लगता है कि हर वैरायटी का प्लांट हो छत के ऊपर, इससे बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है, अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स को, हनी बीज को, तितलियों को और तरह के कीड़े मकोड़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने गमले में इसने डाल दिए दुर्गेश ने। तो आजकल मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ कि मैं कुछ उगाऊँ, अपने आप से उगाने की कोशिश करूँ, देख सीखूँ कुछ ना कुछ। ये फिलोडेंड्रॉन है, एक तरह की बेल है, तो ये भी हमने इसमें लगा दी, बड़ी सुंदर लगती है बेल। तो ये मेरे को मेरी मेड ने ला के दी थी, तो मैंने इसको भी ट्राई कर लिया, तो वो भी बड़ा इंटरेस्ट लेती है, दीदी ये भी लगा लो, दीदी मैं आपको ये ला के दूँगी। तो जो जो वो ला के देती है मैं लगा लेती हूँ। अपने साथ अपने पास मिट्टी का थोड़ा अरेंजमेंट रखें, थोड़ा पॉटिंग मिक्स का अरेंजमेंट रखें, ताकि कभी भी कोई प्लांट लगाना हो तो हम हमेशा रेडी रहें, सोचना ना पड़े हमारे को। और ये देखिए किसी तरह से हमने प्लास्टिक का भी रीयूज़ कर लिया, और हमने अपना जो पास पड़ी थी सैंड वगैरह उसका भी मिट्टी का यूज़ कर लिया एक नया प्लांट बनाने के लिए। डेविल्स आई है ये प्लांट, हरी और सफ़ेद पत्तियां होती हैं इसकी। तो
ये वाली जी लगा रहे हैं। पॉट को थोड़ा ऊपर जाते इसलिए भर जाते क्योंकि मिट्टी भी नीचे सेटल हो जाती है, क्योंकि पॉटिंग मिक्स काफ़ी हल्का होता है, उसमें कोकोपीट वगैरह होती है, वर्मिकुलेट होती है, वर्मिलाइट होता है, तो उससे वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो छत में अगर हमने लगाने हैं प्लांट्स तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो इससे लाइट रहती है। ये देखिए मेरे पास ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर एक बॉक्स है लंबा सा, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है, तो सस्ता होता है तो मैं कई बार देखती रहती हूँ कोई चीज़ सस्ती मिली तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो इसमें मैंने कहा भैया आप चेक कर दो और इसके अंदर लगा दो ये गुलदाउदी जिसे कहते हैं, क्योंकि गुलदाउदी का मौसम एक आधे महीने में स्टार्ट हो जाएगा, बर्ड्स आने लग जाएंगे, फ्लावरिंग हो जाएगी नवंबर तक। तो मेरे को लगता है कि ये सिर्फ एक ही रंग के हैं, या तो पीले हैं या पर्पल हैं, तो मैं भैया से कहते भैया और भी कलर की हम डालियाँ लगाएंगे और डालियाँ लगा लेंगे और क्रिस्टेनियम लगा लेंगे और डालियाँ भी बहुत रंग के लगाएंगे। तो क्रिस्टेनियम हम लगा रहे हैं ये तो आपको पता टहनी से लग जाता है, तो मैंने कहा इसको भी यूज़ करें, ऐसे पड़ा हुआ ये रेक्टेंगुलर बॉक्स लंबा है तो इसमें अच्छे लगेंगे फ्लावर्स। इधर लिली है उसके साथ, उसमें भी फ्लावरिंग का मैं वेट कर रही हूँ बल्ब से लगा है, तो जो डाली है वो भी बल्ब से लगता है या उसकी पौध तैयार होती है। मैंने माली से पूछा तो उसने कहा मैडम उसके बीज नहीं होते डालिया के, सीधी पौध आती है, और ये तो नर्सरी का माली है तो ये हमारे को अपडेट करता रहता है कि क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है, और ये ला देता है गमले भी ला देता है वो भी ला देता है मुझे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें मेरी वीडियोज़ को। धन्यवाद आप सबका।